नमस्कार दोस्तों, एनएस में आपका स्वागत है। मैं अंकित। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप अपना आधार नंबर पैन कार्ड के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, यानी कैसे लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी डिस्कस किया है और बताया है, नया करिकुलम पेश किया है जिसमें कहा गया है कि आपको अपना पैन कार्ड के साथ आधार नंबर को लिंक करना पड़ेगा, तभी आप ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। और ये काफ़ी ईजी मेथड है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों मैंने पहले एक आर्टिकल लिख रखा है, आप मेरे वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं और इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। वैसे दोस्तों देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला है एसएमएस के द्वारा, आपको बस अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है और टाइप करना है UIDPAN, फिर आपको स्पेस देना है और फिर आपको आपका 12 डिजिट का आधार नंबर पुट करना है। जो आधार नंबर होता है दोस्तों वो 12 डिजिट का होता है, तो 12 डिजिट आधार नंबर को लिखना है, फिर आपको फिर से स्पेस देना है और आपको पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। जैसे कि दिया गया है आपको पैन कार्ड में नंबर, पैन नंबर, वही नंबर आपको डालना है और आपको वो मैसेज आपको सेंड कर देना है 567678 नंबर पे या 56161 पे। तो इजीली एसएमएस के द्वारा आप अपने पैन कार्ड के साथ अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है दोस्तों, ये भी बहुत इजी मेथड है और बहुत फास्ट मेथड है दोस्तों। आपको इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.win जो वेबसाइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उस वेबसाइट में लॉगिन करना है और अपने ईमेल आईडी, सॉरी अपने पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है अपने अकाउंट में। फिर दोस्तों आपको प्रोफाइल सेटिंग्स में जाना है, दाएं तरफ होता है ये प्रोफाइल सेटिंग्स का ऑप्शन, प्रोफाइल सेटिंग्स में जाना है। उसके नीचे आपको मिलेगा एक ऑप्शन लिंक आधार, उसमें आपको क्लिक करना है। फिर आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, नाम, यानी कि आपके पैन नंबर आधार नंबर का जो नाम है वो नाम देना है और एक कैप्चा एंटर करना होगा और फिर आपको लिंक आधार में क्लिक कर दीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका आधार नंबर जो है ना, सॉरी आधार कार्ड में जो आपका नाम है और पैन कार्ड में जो नाम है वो दोनों ही सेम होना चाहिए, तभी आपका आधार सक्सेसफुली लिंक हो पाएगा, नहीं तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर ये आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड में ऐसा मतलब प्रॉपर नाम है, आपका जो नाम दोनों में सेम है, तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर नहीं है तो दोस्तों आपको पहले अपना आधार कार्ड का नाम चेंज करवा सकते हैं, मतलब आधार कार्ड जो नाम है आपका वो आप अपडेट करवा लीजिए पैन कार्ड के साथ, उसके बाद आपको लिंक करना होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी जान सकें कैसे आप अपने आधार कार्ड के साथ अपने पैन कार्ड नंबर को लिंक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।